गौरी गोपाल आश्रम में महिला का शव मिलने का मामला, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज का ये आश्रम है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पति ने लगाया है कि उसकी पत्नी की हत्या की गई है। गौरी गोपाल आश्रम के पास झुग्गी झोपड़ियों में अपने पति के साथ रहने वाली एक महिला की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर देने का ये मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। आश्रम में होने वाली इस घटना से अनिरुद्ध आचार्य महाराज भी अब सवालों के घेरे में आने लगे हैं कि आखिर बाबा के आश्रम में ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की घटनाएं घट रही, कैसे घटी। अपने संवाददाता से इस मामले पर अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये खास रिपोर्ट देखिए। ये घिनौनी हरकत किसने की, ये बड़ा सवाल। सुबह खाना पीना खा के नाश्ता वास्ता करके 9 बजे हम ड्यूटी पे निकल गए जी। ड्यूटी पर से लंच में खाना खाने के लिए मैं आया हूँ, तो ये इसी हालत में देखी मरी पड़ी। क्या चादरा उड़ा दिया किसी ने, गला दबा के मारा था। झुग्गी में खाना खाने आए थे साहब, आज झुग्गी में इसी जिसके अभी भी साहब ये घर पे ही रहती है। यहाँ तो साहब किसी वृंदावन में कब से रह रहे हो? 2 महीने हुए हैं साहब, काम कर रहे मेरे गाँव से। तो लेडीज रहती थी वो तो चली गई शादी में, एक ये रह गया आश्रम में, कोई नहीं था। और सब नहाने धोने वाले इधर तो घूमते ही रहते सब लोग। अच्छा, क्योंकि मेरी कोई नहीं था। तो क्या था साहब, ज्यादा अपडेट के लिए मैं रुक करना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चौधरी जुड़ गए हैं मथुरा से, साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सद्दाम भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले दीपक आपका रुक करते हुए, क्या जांच पड़ताल के बाद अब तक कोई एक्शन पुलिस ने लिया है, क्या किसी को हिरासत में लिया गया, किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मामला क्या निकल कर सामने आ रहा है और दुष्कर्म के एंगल पर पुलिस का क्या कहना है? गौरी गोपाल आश्रम अपने आप में हर समय जो है सवालों के घेरे में खड़ा रहता है। और गौरी गोपाल में 2022 से अब तक चार महिलाओं के शव मिल चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर बात की जाए तो शुक्रवार हड़कंप मच गया जिस समय 1:30 बजे उसका पति जो है खाना खाने आया और गौरी गोपाल आश्रम में उसका पति POP की का कार्य की मजदूरी करता है और वहीं गौरी गोपाल आश्रम के पास झुग्गी में रहता है। जब रात दोपहर के 1:30 बजे पति आता है और देखता है कि उसकी पत्नी की जो है हत्या कर दी गई है, उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। थाना क्षेत्र की पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और जो है चौकी इंचार्ज सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। वहीं जब उसके जो है मृतका के पति से जब बातचीत की जाती है तो उसने पति ने बताया कि जो है मैं मेरी पत्नी के गले पे खरोंच के निशान है और पत्नी के जो है कहीं गला दबाकर हत्या की गई है। वहीं जब कल आज SP City अरविंद कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उसकी गला दबाकर हत्या करना आशंका बताई गई है। और CMO अजय कुमार का कहना है कि अगर दुष्कर्म किया होगा तो उसके लिए स्लाइड बनवाकर भेज दी गई, लेकिन आज तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पति ने किसी के ऊपर शक जताया हो, किसी की तरफ उंगली उठाई हो, पुलिस को कुछ तो जानकारी उसकी तरफ से दी गई होगी? जी शिल्पा, मैं बता देना चाहता हूँ, पति ने अब तक किसी पे कोई भी उंगली नहीं जताई है। और पति का साफ कहना है कि मैं यहाँ 2 महीने से महज मजदूरी करने आया हूँ और मजदूरी को लेकर मेरी यहाँ न तो किसी से लड़ाई है और न कोई वो है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है, पहले भी 2 माह पहले भी एक सब जो है जो अनुद्धाचार्य महाराज है उनके आए, लेकिन पुलिस आज तक 9 की और 2 सब पहले मिले उनके, इसलिए ताज्जुब ज्यादा हो रहा है, इसलिए हैरानी की बात ज्यादा है। लौटते दीपक आपके पास, सद्दाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सद्दाम, ये कोई पहला मामला नहीं है, इसे बरामद हो चुके हैं 3rd शव के बरामदगी के बाद अब मामले में जांच पड़ताल की बात की जा रही है। इसमें बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता हुआ सद्दाम की आखिर इस तरह के तथाकथित बाबाओं के आश्रमों में धंधे की आड़ में ये किस तरह का खेल चलता है? बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर कृष्ण के नगरी में इस तरह से किस तरह ये बड़ी घटना होती है। और इस बात को लेकर सवाल पुलिस पर खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह से ये जो गौरी आश्रम है वहाँ पर वो किस तरह से जो है सवालों के घेरे में है और किस तरह से वहाँ पर इससे पहले जो है वहाँ पर 2 शव मिलते हैं। 2022 की घटना का अगर मैं जिक्र करूँ, उसके बाद फिर वहाँ पर आश्रम के बाहर लाशें मिलती है और शुक्रवार की ये
घटना और दिल दहला देता है कि जिस तरह से वहाँ पर घटना होती है, वहाँ पर किस तरह से जो है उनके जो पति हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जब वो वापस लौटते हैं तो उनकी पत्नी जिंदा नहीं होती है, वहाँ पर बेड पर किस तरह से जो है वो मृत अवस्था में मिलती है। तो ये बड़ा सवाल है, और सवाल क्या इस बात को लेकर होना चाहिए कि ये जो कथातथित बाबा होते हैं, क्या ऐसे बाबाओं को कहीं से सहमत मिल रही है या बचाने की कोशिश हो रही है? आखिर पुलिस इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिर पुलिस इनको बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इसको लेकर बड़ा सवाल है शिल्पा। और ऐसे में जिसका ये आश्रम है अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई भी रिएक्शन अब तक, कोई प्रतिक्रिया अब तक इस पूरे मामले को लेकर? अभी तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि किस तरह से जो है सवाल जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पुलिस की जो बयान है वो किस तरह से वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि शुक्रवार की जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं महिला का जो है गला घोटकर हत्या की गई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस बयान तो देती है लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ऐसे लोगों को सलाखे के अंदर क्यों नहीं डालते हैं, जो लोग इसमें मतलब शामिल है ऐसे लोगों को ढूंढ कर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कि क्या जिस तरह से मजदूरी करने के लिए जो लोग आते हैं गौरी गोपाल आश्रम में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि जो शुक्रवार की घटना है इनकी जो पति हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो काम कर रहे थे और उसके बाद जो है वो पोताई का काम करते हैं वहां पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साजिश है, कौन है हत्यारा, उस तक पहुंचा जाना चाहिए। आपने सही कहा सद्दाम, पुलिस तो कहती है कि भाई कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रही है, लेकिन एक्शन के नाम पर फिर वही ढाके तीन पात। लेकिन एग्जैक्टली एसपी सिटी ने इस पूरे मामले को लेकर, अब तक की जांच पड़ताल को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक महिला की डेड बॉडी मिली, उसका परिजन जो है वो काम करते थे, महिला और उसके हस्बैंड ने गौरी गोपाल में एक नया आश्रम बनाया, वहीं पर काम कर रहे हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, फोरेंसिक टीम भी वहाँ पर मौजूद, उसके जो वहाँ पर जो फोरेंसिक एविडेंसेस है वो अपडेट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद से जो बात तक सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई बनती है, पूरी कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो एसपी सिटी मथुरा का भी हम सुन रहे थे। दीपक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब देखिए पुलिस तो वही राग अलाप रही है, जांच जारी है, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, सबूत इकट्ठे किए गए हैं, पड़ताल की जा रही है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है? आसपास से जिस समय ये घटना घटी होगी, किसी ने आखिरी बार उस महिला को देखा होगा, किसी ने आखिरी बार उस महिला से कोई बातचीत की होगी, किसी को वहां से निकलते बढ़ते देखा होगा, क्या ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने क्या सामने आकर इस तरह की कोई बयान दिया है? देखिए शिल्पा जी, मैं बता दूं कि रत्नागिरी वृंदावन में श्री कृष्ण के लाखों भक्त वृंदावन आते हैं और दर्शनों की यही आस्था के साथ आते हैं, कुछ लोग यहाँ मजदूरी कर कर अपना पेट भी भरते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि शुक्रवार को जो घटना हुई वो काफी दिल दहलाने वाली थी। अभी तक इसमें पुलिस के केवल FIR दर्ज करने के स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, और क्योंकि ये आश्रम के अंदर था, अंदर इनकी झुग्गी थी तो इसलिए उसको किसी ने नहीं देखा था, और इसके साथ जो दो महिलाएं आई थी वो कहीं कार्यक्रम में गई हुई थी, तो महिला अकेले होने का कहीं ना कहीं गुनहगारों ने उसका फायदा उठाया, और पुलिस अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, पुलिस पे भी बड़ा सवाल होता है कि आखिर पुलिस इन दरिंदों पर कार्रवाई कब करेगी, और इन दरिंदों पर पुलिस कार्रवाई कर क्यों नहीं रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए कार्रवाई उसी हिसाब से होगा जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। दुष्कर्म की वारदात की जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर भी पुलिस कुछ स्पष्ट अभी बताने की स्थिति में दिख नहीं रही है, हुआ है नहीं हुआ है उसी हिसाब से धाराएं लगेंगी। जी मैं बिल्कुल बता दूं, पुलिस अभी तक इस मामले से बचती हुई नजर आ रही है। जब हमारे द्वारा सुबह एसपी सिटी से पूछा गया तो एसपी सिटी ने बताया कि इसकी गला घोटकर हत्या हुई है, और दुष्कर्म के सवाल से वो बचते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो पुलिस इस मामले से बचता हुआ नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब हत्याएं लगातार दो साल से उस आश्रम में हत्याएं हो रही है और सब मिल रहे हैं, तो आखिर इस बाबा को बचाने वाला कौन है, कौन इस बाबा को सह दे रहा है, पुलिस आज तक इस बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है?
ठीक है, लौटते हैं आपके पास दीपक। कुछ स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपना जो मत रखा, अपनी जो प्रतिक्रिया दी, जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गौरी गोपाल आश्रम में एक जो है भारतीय नहीं पूरे विश्व में उसका अनुरुद्धाचार्य जी का नाम है, और महिलाओं के सब मिलना ये अपने आप में एक जो है संदेह पैदा करते हैं। इस पर महाराज जी को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि चार चार सब एक साल के अंदर मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कोई न कोई जो है राज छुपा हुआ है, और इसकी गंभीरता से जब तक जांच नहीं होगी, जब तक इसकी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यों हो रहा है, मामला क्या है। लेकिन मेरा यही चाहूँगा मैं, और महाराज जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि महाराज जी की छवि खराब हो रही है, इस पर संज्ञान लें, और शासन प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच करें। बात आपने गौरी गोपाल की करी है, तो मेरा मानना है जितने भी सब आज तक मिले हैं वो सब गरीब लोगों के हैं, उसमें कोई अमीर आदमी नहीं है। माननीय अनुरुद्धाचार्य जी भोजन की व्यवस्था अच्छी करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था सबको सब मिल रही है, फिर भी इस तरह से मौत हो रही है, ये तो घटना हो रही है, ये तो जांच का विषय है। तो इसमें यही शासन प्रशासन से, सरकार से विनती करूंगा मैं कि इसकी जांच की जाए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और गौरी गोपाल आश्रम के आसपास ही क्यों हो रही हैं, अन्यत्र क्यों नहीं हो रही हैं। तो माननीय अनिरुद्धाचार्य जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए क्यों हो रही है। तो यही प्रार्थना है मेरी सबके, ऐसे गरीब लोगों की हत्याएं नहीं हो, और क्यों मर रहे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए सरकार के द्वारा।